पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए आप इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, जेवी पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ। और यहाँ तक मैंने एक साल में दो क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है किसी ने आईएलटीएस का एग्जाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस आईएलटीएस का एग्जाम क्लियर करने जा रही हूँ और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियरबाउट 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोलकर बताएं? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पर्स, लेनिन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरफ्लिस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज एंड इंग्लिश। Would you like to speak two lines, includes all languages, all accents? Sure, and British it. Hello, my name is Chen Wei, I'm studying 12th standard, and my age is 12, in American. Hello, and my name is Chen Wei, I'm studying 12th standard, my age is 12, studying at JV Public School, in RP. I'm speaking a British accent, and they call it RP, which is the same pronunciation. Posh, the Posh accent used mainly there when the Royal Posh Sense of the Year could be speaking it, Australian. Australian accent being a little bit of slow because the person that is speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from definiting sound from our throat, and from the Scottish. Everyone, this is the Scottish accent. It's about that we have to just sound that a limit of lower and to be speaking it, giving a limit of difference, and the Norfolk. Paying an F4 accent, as you mail in the UK, paying an RP or a self pronunciation. These were all my accents and my language, French. Salut, je m'appelle Jean-Louis, j'ai été de la OGA, j'ai OGA, ma passe à Catalan musique anglaise, je voudrais devenir la lise de Noël, merci beaucoup. Japanese, je m'amachete, vatashiva janvides, vatashiva desga, ognishiroi omega ishimasu. आइए सर, परीक्षा आपको क्लियर करना। 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में आईएएस करना है। अभी 12 ईयर की एज में आईएएस करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट आईएएस बनना है। आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी? मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे सीएम आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला, क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है? चूंकि उन्होंने कहा था मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड, बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है। और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरा मैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव।